जी मिस्टर प्रसाद साहब सर, सही मिस्टर सर। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं बड़ी ब्रीफ आज कोशिश करूंगा कि स्पीच करूं। मुल्क हमारा स्पीकर साहब एक साइकिल में फंसा हुआ है, और वो साइकिल क्या है कि हमारी हुकूमतें जब बजट लेके आती हैं तो उसमें डेफिसिट बजट हम लेके आते हैं, विच बेसिकली मीन्स वी प्रिंट मनी। उसके नतीजे में हमारी इम्पोर्ट्स ऊपर जाती हैं, जब इम्पोर्ट्स हमारा ट्रेड हमारा बैलेंस जब खराब होता है तो हमें और कोई रास्ता हमें नहीं मिलता, हम IMF के पास चले जाते हैं। और आज ये 13वां हमारा IMF प्रोग्राम चल रहा है सिंस द लेट 80s। जैसे ही हम IMF प्रोग्राम में जाते हैं स्पीकर साहब, तो उसके नतीजे में जो उनकी पॉलिसीज हमें दी जाती हैं उससे हमारा GDP नीचे जाता है, जिससे हमारी इंपोर्ट्स आर्जी तौर पे कंट्रोल होती हैं, और उसके बाद हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी आर्जी तौर पे हमारा ठीक हो जाता है। फिर क्योंकि इलेक्शन नजदीक आने लगा होता है तो हमारी गवर्नमेंट्स फिर उसी पॉलिसी पे चली जाती हैं कि पैसे ज्यादा खर्च करने हैं क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहा है, हमने इलेक्शन जीतना है, जिसकी वजह से फिर इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और फिर IMF के पास हम चले जाते हैं। तो स्पीकर साहब, हमें यह समझना चाहिए कि इन्फ्लेशन जो है वो होती कैसे है। इस हुकूमत में जो इन्होंने तरीका निकाला है इन्फ्लेशन से डील करने का, वो निकाला है प्राइस कंट्रोल्स। तो हमें स्पीकर साहब ये समझना चाहिए कि प्राइस कंट्रोल्स डोंट वर्क। पहले चीनी की कीमत कंट्रोल की करने की कोशिश की गई, उसके नतीजे में चीनी की ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई। गंदम की कीमत कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उसकी वजह से स्मगल होना शुरू हो गई अफगानिस्तान में। तो सिर्फ एक तरीका है जिससे आप कीमतें कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है सप्लाई इंक्रीज करना। तो स्पीकर साहब, हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी आउटपुट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आउटपुट आपकी इंक्रीज होगी जब फार्मर्स के पास मशीनरी आएगी, जब फार्मर के पास कैपिटल आएगा। लेकिन ऐसी इकोनॉमी में जहां पे हुकूमत फैसला करे कि पैसे किस तरफ जाने चाहिए, और हुकूमत के फैसले आप देख लें कि वो सिर्फ सरमायाकार के पास पैसे भेजती है, वो सिर्फ ऐसी इंडस्ट्रीज के पास भेजती है जहां पे उनको लगता है कि इन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, और वो इंडस्ट्रीज हमारे सामने है। IPPs की मिसाल है हमारे सामने स्पीकर साहब, कि गवर्नमेंट सॉवरेन गारंटीज देती है। इन सॉवरेन गारंटीज देने से जब दो लोग आएंगे, एक फार्मर आएगा कर्जा लेने बैंक के पास, और दूसरी तरफ एक आदमी जो IPP खड़े करना चाह रहा है वो आएगा, तो बैंक के लिए बड़ा आसान फैसला है कि वो उसको देगा जो IPP शुरू कर रहा है, क्योंकि उसके पास सॉवरेन गारंटीज हैं। गवर्नमेंट आगे से एंड यूजर से पैसे ले या ना ले, IPP के मालिक को पेमेंट जरूर की जाएगी। तो इस वजह से हमारे IPPs लगते हैं जिधर महंगी बिजली बनती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस कम होती है, और ये एक और हमारा साइकिल चल पड़ता है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी नीचे जाती है। उसके अलावा स्पीकर साहब, गवर्नमेंट की पॉलिसी है प्रोटेक्शनिज्म। हम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज को चूज कर लेते हैं जिनको हमारा प्रोटेक्ट करने का पूरी पॉलिसी आ जाती है। हमारे सामने मिसाल है ऑटो सेक्टर की। पिछले कई डेकेड से आप देखें कि सिर्फ 3 ऑटो प्लेयर्स थे हमारे ऑटो सेक्टर में, और उनको हर किस्म की प्रोटेक्शन दी जा रही थी, इंपोर्ट्स पे ड्यूटी, कंपटीशन उनके लिए लाया नहीं जा रहा था। और इन डेकेड्स में आज तक कोई गेयरबॉक्स पाकिस्तान में असेंबल नहीं होता या मैन्युफैक्चर नहीं होता, कोई हमारी इंजन यहां पे मैन्युफैक्चर नहीं होता, ये सिर्फ असेंबली प्लांट्स बन के रह गए हैं। आज जो पाकिस्तान में स्पीकर साहब गाड़ियां मिलती हैं, उनकी क्वालिटी भी हमारे सामने है ना, उनमें एयरबैग उस तरह के होते हैं ना, उनमें ड्राइवर सेफ्टी उस तरह की है। तो ये सब चीजें प्रोटेक्शनिज्म की वजह से हैं। अब जैसे कंपटीशन आ रहा है, इस वजह से एयरबैग्स भी स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट भी स्टैंडर्ड होती जा रही है। तो हमें अंडरस्टैंड ये करना चाहिए कि जब तक कॉम्पिटिशन हम नहीं प्रमोट करेंगे तब तक क्वालिटी बेहतर नहीं होगी, आवाम की जिंदगी में तब तक कोई फायदा नहीं आएगा। मैंने स्पीकर साहब हर साल शुगर सेक्टर पे भी बात की है, आज मैं दोबारा उस पर टच करूंगा कि शुगर सेक्टर एक और ऐसा सेक्टर है जहां पे हम फार्मर के एक्सपेंस पे जो शुगर मिल ओनर्स हैं हम उनको फायदा पहुंचाते हैं। पहले हम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करते हैं, इस साल 5% हमने सपोर्ट प्राइस बढ़ाई फार्मर के लिए, 190 से 200 सपोर्ट प्राइस हमने कर दी। उस सपोर्ट जो 200 रुपए पे गन्ने से जो चीनी बनी, उस चीनी की कीमत 100% ऊपर चली गई, डबल हो गई।
और हमने उस चीनी को सब्सिडाइज एक्सपोर्ट भी दी। तो स्पीकर साहब, हमें यह समझना चाहिए कि फार्मर को हम फायदा पहुंचा रहे हैं 5% का, जिसकी बिजली की कीमतों में, जिसकी खाद की कीमतों में, जिसकी लेबर कॉस्ट की कीमत में, हर चीज में इजाफा हुआ है, लेकिन हम इंडस्ट्री को, उनको हम डबल कीमत चार्ज करने दे रहे हैं। तो स्पीकर साहब, इस तरह के जब आपकी इकोनॉमी चल रही होगी तो आपकी कंपेटिटिव इंडस्ट्री नहीं लगेगी। बैंक्स शुगर इंडस्ट्री को इसीलिए कर्जे देंगे क्योंकि उनको पता है कि हुकूमत ने इनको हमेशा बचाना है बैंक्रप्सी से, इनको कभी भी हुकूमत ने लॉसेज नहीं करने देने, और ये गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करती है कि इनको लॉसेज नहीं करने देने, ये हम बाहर से कर्जे लेते हैं। ये जो IMF के कर्जे, वर्ल्ड बैंक के कर्जे, और जो बाहर से हम बोरोइंग करते हैं, ये हम पैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, पावर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए, और शुगर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, और सीमेंट को। तो स्पीकर साहब, जब हम IMF से लिया हुआ कर्जा इन सेक्टर्स में इंजेक्ट करते हैं, वहां से डिमांड आती है, और उस डिमांड के नतीजे में आपकी फिर उसी साइकिल पे आप जाते हैं कि इंपोर्ट्स इंक्रीज करती हैं। आज हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो थी पिछले साल, जिसके हमें बताया जा रहा था कितनी ऊपर चली गई है, आज जो अब जो इन महीनों में जो टेक्सटाइल के नंबर्स आ रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे गिर रही हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता अगले साल तक, खुदा ना खास्ता, मेरी दुआ है कि ऐसे ना हो, लेकिन असरात यही नजर आ रहे हैं कि फिर से आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, और फिर से आपको उसके बारे में अगली जो गवर्नमेंट आएगी उसको दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। लेकिन स्पीकर साहब, हम बजाय इसके कि फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करें, हमारी बड़ी सिंपलिस्टिक सॉल्यूशंस होती हैं, जिस तरह अभी हमें इस गवर्नमेंट ने बताया कि हमारी एक्सपोर्ट ना बढ़ने की वजह एक ओवर वैल्यूड करेंसी थी, कि क्योंकि हमारा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में उसकी स्ट्रेंथ थी, इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही थी। तो स्पीकर साहब, 50% डिवैल्यूएशन के बावजूद आज हम ये देख रहे हैं कि हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नीचे गिर रही है, और आगे जाते हुए अगर गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग करती गई, जो इस बजट में हमारे हर बजट की तरह, ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का ये यूनिक एग्जांपल नहीं है, हमारे टाइम में भी और PMLN के टाइम में भी इसी तरह चलता था कि डेफिसिट बजट जो है वो इम्पोर्ट्स बढ़ाते हैं वहां से आपकी। तो आज आप बेशक डॉलर को 250 रुपए पर भी ले जाए, आपकी एक्सपोर्ट्स पर वहां से आरजी फायदा तो हो सकता है, लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं हो सकता। मैंने मिसाल यह भी दी थी स्पीकर साहब कि जब 2019 में बात हो रही थी हमारे करेंसी ओवर वैल्यू होने की, तो मैंने उस वक्त भी यह मिसाल दी थी कि थाईलैंड की जो करेंसी है उसने उस साल में डॉलर के मुकाबले में 5% करेंसी ऊपर गई डॉलर के मुकाबले में, और उसी साल उनकी एक्सपोर्ट 10% बढ़ी। जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर से यह सवाल किया गया कि क्या आपको इस पे कंसर्न नहीं है कि आपकी करेंसी ऊपर जा रही है, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि इससे हमारी एक्सपोर्ट्स मजीद बढ़ेंगी, इससे हमारी जो मशीनरी इंपोर्ट है वो मजीद सस्ती होएगी, और इससे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ज्यादा कंपेटिटिव होएगा। तो स्पीकर साहब, ये तरीका होता है इकोनॉमी को देखने का, जब आपकी करेंसी स्टेबल होती है तो आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना आसान होता है, आपका जो आज इन्वेस्टर है वो अगले 10 साल का प्लान बना सकता है। जब आपकी करेंसी डिवैल्यू कर रही होती है तो आप उससे इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म पे ले आते हैं, कि टेक्सटाइल वाला ये देखता है कि आज अगर मैं अपनी टेक्सटाइल से पैसे निकाल के हाउसिंग में डाल दूं, हाउसिंग किसी प्लॉट्स में डाल दूं, तो मुझे वहां पर 100% रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन मैं 10 साल का प्लान नहीं बना सकता हूं जबकि आपकी करेंसी स्टेबल नहीं है। तो स्पीकर साहब, इसी के साथ जुड़ा हुआ हमारा अभी कंस्ट्रक्शन का जो हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लेके आई है, ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी चीज है, क्योंकि जब आप ब्लैक इकोनॉमी का दरवाजा खोलते हो एक ऐसे इतने बड़े सेक्टर में आने के लिए, तो फिर आपको अनरीजनेबल ग्रोथ मिलती है उस सेक्टर में। आज हाउसिंग किसी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है, और ये कोई अच्छी चीज नहीं है। स्पीकर साहब, मुझे याद है फाइनेंस कमेटी में का मैं हिस्सा होता था पिछली गवर्नमेंट के दौरान, और वहां पर उन्होंने सब कमेटी बनाई थी जिसमें उन्होंने मुझे डाला था कि आप इस चीज को देखें, और वहां पे मेरी आर्ग्यूमेंट्स हुई जो वहां पे डीलर्स और जो हाउसिंग के लोग आए हुए थे, और उनका ये ख्याल था कि अगर ब्लैक मनी को यहां से निकाला गया तो घरों की कीमतें बड़ी सस्ती हो जाएंगी। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि अगर घरों की कीमतें नीचे जाती हैं तो वो तो बहुत अच्छी चीज है, वो तो आम आदमी की पहुंच में ले आता है घर को। आज स्पीकर साहब जो हो रहा है
क्योंकि हमने ब्लैक इकोनॉमी का दरवाजा खोल दिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हमारे आप कौन सी कमेटी में है इस वक्त? प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्रीज एंड क्लाइमेट चेंज। आपको जो है ना फाइनेंस कमेटी में होना चाहिए, आपकी पार्टी जो है ना कम अज कम आपको फाइनेंस कमेटी। तो थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं इस पर यही कह रहा था कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो पिछली गवर्नमेंट के टेन्योर में भी यही हो रहा था कि लोगों को क्योंकि ब्लैक इकोनॉमी का रास्ता नजर आ रहा था हाउसिंग में, तो वो लोग अपना वहां से टैक्स अंडर इन्वॉइसिंग करके, टैक्स चोरी करके पैसे हाउसिंग में डाल रहे थे। और जब मेरी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात होती थी तो उनका ये जवाब होता था कि यहां पे हमें 50% 100% सालाना रिटर्न्स मिल सकते हैं हाउसिंग में, जो कि हमें हमारी कंपनी में नहीं मिल सकते। एक लेजिटिमेट बिजनेस में 10% या 15% रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होता है, लेकिन हाउसिंग में एबनॉर्मल रिटर्न इसीलिए है क्योंकि हमने ब्लैक इकोनॉमी का वहां पर जगह बनाई दिया। तो स्पीकर साहब, इस प्रोटेक्शनिज्म को और इस मैल इन्वेस्टमेंट जो हमारे मुल्क में हो रही है, इसके हमें दरवाजे बंद करने चाहिए। आप साइड पे हो जाए प्लीज। साथ में स्पीकर साहब, प्रोटेक्शनिज्म से हमने एक और सेक्टर को जिसको हमने जिंदा रखा हुआ है वो हमारी रिफाइनरीज हैं, जहां पे हमारा ऑयल रिफाइन होता है। और 50 साल से ये हमारी रिफाइनरीज चल रही हैं और जिस क्वालिटी का हम फ्यूल पैदा कर रहे हैं उससे हमारे पूरे पंजाब में तो स्पीकर साहब अब अनलिवेबल बनता जा रहा है। हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी एनवायरमेंट पे बात कर चुके हैं, इट हैज बिकम अनलिवेबल। जैसी सर्दियां आती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे चेंज होती हैं, तो स्मॉग आ जाती है और लोगों को एस्मा और उनको बड़ी सीरियस बीमारियां हो रही हैं। और स्पीकर साहब, ये हो क्यों रही हैं? इसकी वर्ल्ड बैंक फंडेड स्टडी थी पंजाब में जो हुई थी, जिससे उन्होंने पता लगाया कि 50% स्मॉग पूरे पंजाब में जो स्मॉग है वो व्हीकुलर इमिशंस की वजह से है। और व्हीकुलर इमिशंस क्यों ज्यादा है यहां पे? क्योंकि कैटेलिटिक कन्वर्टर्स तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, इमिशंस स्टैंडर्डाइज्ड है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में किस वजह से ज्यादा है? कि हमारी रिफाइनरीज मैगनीज डालती हैं पेट्रोल में और वो मैगनीज आपके कैटेलिटिक कन्वर्टर्स को चोक कर देता है, जिसकी वजह से आपके इमिशंस गो अप बाय 600 टाइम्स। तो स्पीकर साहब, हमें इस चीज को देखने की जरूरत है। मैंने क्लाइमेट चेंज कमेटी में इसकी बहुत देर से इस बारे में बात की है और अब हमें यह बताया गया है कि हमने यूरो 5 फ्यूल कर दिया। लेकिन स्पीकर साहब, अगले दिन मैं फिगर्स देख रहा था कि जो मैगनीज इंपोर्ट है हमारी, वो ईयर ऑन ईयर उसके अमाउंट्स वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो अगर हमने फ्यूल से मैगनीज बंद की है यूरो 5 पे जाने से, तो मैगनीज इंपोर्ट क्यों हो रही है अभी तक उसी मकदार में? तो स्पीकर साहब, इसका हुकूमत को हमें ना सिर्फ जवाब देना चाहिए, ये कमेटी में भी मेरा सवाल है कि मुझे लेटेस्ट फ्यूल टेस्टिंग के रिजल्ट चाहिए ताकि हमें पता चले कि अगर वाकई मैगनीज निकला या नहीं। लोगों को स्पीकर साहब बड़ी सीरियस बीमारियां हो रही हैं, इसकी वजह से पार्किंसंस होती है, ब्रेन डैमेज होता है मैगनीज इमिशंस की वजह से, और एस्मा। तो स्पीकर साहब, मेरा जो अंदाजा है, बड़े शहरों में तकरीबन 75% स्मॉग जो है वो व्हीकुलर इमिशंस की वजह से होगी। ये जो 50% का फिगर है पूरे पंजाब में, और देहातों में इतनी स्मॉग भी नहीं है। तो जो मेरी नजर मेरे ख्याल के मुताबिक बड़े शहरों में 75% ऑफ द स्मॉग इज कमिंग थ्रू व्हीकल्स, और इसी के साथ जुड़ी हुई स्पीकर साहब ईवी पॉलिसी है। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अप्रिशिएट करना चाहिए जो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ उसके ऊपर काम किया, लेकिन इस पर मजीद काम करने की जरूरत है। दुनिया में अमेरिका में $12,000 सब्सिडी है एक इलेक्ट्रिक कार पे, उसके बावजूद वहां पर इलेक्ट्रिक कार अपटेक कम है। उसकी वजह क्या है? कि इलेक्ट्रिक कार्स आर मोर एक्सपेंसिव, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसके लिए अमेरिका में अरबों डॉलर खर्च किया जा रहा है सिर्फ चार्जिंग नेटवर्क बनाने के लिए, ताकि क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स की रेंज कम होती है, टू मेक द मोर अप्रोचेबल, वहां पे अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। बाइडेन एक नया प्लान लेके आए जिससे वो मजीद अरबों डॉलर खर्च करेंगे। पाकिस्तान में स्पीकर साहब, हमें फायदा इस चीज का है कि हमारा पूरा मुल्क तकरीबन मोटरवे से कनेक्टेड है, और अगर हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, हमारे दूसरा फायदा इस चीज का है कि यहाँ पे लोगों के घर होते हैं, यहाँ पे लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में बहुत थोड़े लोग रहते हैं, और लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वाले लोगों को चार्जर का इशू आता है बाहर के मुल्कों में, जिस वजह से अपटेक इलेक्ट्रिक कार्स का मुश्किल होता है। पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों के घर हैं, यहाँ पे तो चार्जर्स का भी इशू नहीं है। यहाँ पे जो उनका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, अगर उस पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें, तो मेरी नजरों में ना सिर्फ हमारी स्मॉग का इशू सॉल्व होएगा बल्कि हमारी ऑयल इंपोर्ट्स भी कम हो जाएंगी। तो स्पीकर साहब, इस चीज को भी हमें देखना चाहिए कि हम मजीद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कैसे कर सकते हैं। इस बजट में स्पीकर साहब, जो मैंने देखा है कि वो 10% कस्टम ड्यूटी।
स्पीकर साहब मैं सिर्फ वाइंड अप कर रहा हूँ प्लीज। इस बजट में मैंने देखा है कि कस्टम ड्यूटी 25 से 10% हमने की है ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर वन ईयर, दिस इज ऑन इम्पोर्टेड व्हीकल्स। आई थिंक एक साल के लिए नहीं चाहिए, आई थिंक इसको कंटिन्यू करना चाहिए। मैं सिर्फ स्पीकर साहब वाइंड अप करता हूँ, मेरे आगे काफी वैसे पॉइंट्स थे लेकिन मैं वाइंड अप पे आता हूँ। स्पीकर साहब एजुकेशन पे हमें, मैं बड़े ब्रीफली बात करूंगा, एजुकेशन पे हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमें देखना चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। हमें देखना चाहिए कि आज जो हमारे बच्चे स्कूलों से पढ़ के निकल रहे हैं क्या वो टॉलरेंट इंसान है, क्या वो इस ग्लोबल, आज की ग्लोबलाइज दुनिया में क्या वो फिट इन कर सकते हैं। और स्पीकर साहब इसका जवाब ये है कि हमारे बच्चे जो आज स्कूलों से पढ़ के निकल रहे हैं वो इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपकी एक्सट्रीमिज्म इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी बर्दाश्त लोगों आवाम में खत्म हो चुकी है। तो स्पीकर साहब एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप साइंस या केमिस्ट्री पढ़ा दें, हमें बच्चों को ऐसा शहरी बनाना चाहिए जो ना सिर्फ जिम्मेदार शहरी हो बल्कि टॉलरेंट शहरी हो। तो स्पीकर साहब इसी से हमारी लिंक्ड है फॉरेन पॉलिसी। हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। स्पीकर साहब फॉरेन पॉलिसी आपकी सक्सेसफुल तब होगी जब आप डोमेस्टिक पॉलिसी को ठीक करेंगे, जब आपका सॉफ्ट इमेज तब बनेगा जब आपका वाकई एक सॉफ्ट मुल्क होएगा। यू कैन नॉट क्रिएट अ सॉफ्ट इमेज जब आपके सड़कों पे किसी में बर्दाश्त नहीं है, जब लोगों के गले काटे जा रहे हैं, ब्लास्फेमी पे किसी पे इल्जाम लगता है, उसका ट्रायल की स्टेज नहीं आती स्पीकर साहब, उसको पहले से पहले उसकी जान ले ली जाती है। स्पीकर साहब आखिरी एक आधा मिनट सिर्फ, हमारी मलाला यूसुफजई की एग्जाम्पल है जो बाहर इंटरनेशनली हीरो बन चुकी है, कैनेडियन पार्लियामेंट को उन्होंने एड्रेस किया, लेकिन हमारे मुल्क में जो मैं लैक ऑफ टॉलरेंस की बात कर रहा हूँ, हमारी ये हालत है कि वो पाकिस्तान में उनकी जान पर खतरा है, वो पाकिस्तान आज एक आजाद शहरी की तरह नहीं रह सकती इवन दो वो बाहर एक हीरो हैं। एंड में स्पीकर साहब हमें इन चीजों को एड्रेस करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करना चाहिए, हमारी सब पार्टीज को बैठ के, एक्सट्रीमिज्म एक ऐसा इशू है जिस पर आपको वोट नहीं मिल सकते, आपको इसको बैठ के मुल्क की भलाई के लिए इस पर काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच स्पीकर। वेरी गुड, मैं समझता हूँ कि सईद सॉरी मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी बहुत अच्छी तैयारी थी और इस किस्म का मीनिंगफुल डिबेट जो है ना ये इस हाउस को चाहिए। मैं मुस्तफा महमूद साहब आपको जो आपकी तैयारी है गवर्नमेंट उसका अपना नुक्ता नजर देगी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी तैयारी को। जी मस्ते खेल साहब प्लीज। अल्लाह मिन शैतान रजीम।